एज ए वैक्सीनेटर 2005 से काम कर रहा हूँ। ज़िंदगी महफूज प्रोग्राम आने से पहले हम इसकी एंट्री अपने जो डेटे की पहले डेली रजिस्टर में करते थे। अच्छा, डेली रजिस्टर में करने के बाद उसको फिर हम परमानेंट रजिस्टर में करते थे, ठीक है। फिर उसका मंथली हम ग्राफ चढ़ाते थे और उसमें से फिर हम डिफॉल्टर निकालते थे। हम डेटा एंट्री करते हैं, बच्चे का एक बार बायोडाटा उसमें आपने डाल दिया, उसको कौन सी वैक्सीन लगनी है वो सिस्टम खुद ब खुद निकाल के बता देता है। इंजेक्शन लगवाने के बाद वालदेन से कोई रब्ता हमारा होता नहीं था। ज़िंदगी जो महफूज की जो हमारे पास मैसेज आते हैं उनसे हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हम कभी भूल जाते हैं तो उनका, जैसे एक दिन पहले आ जाते हैं कि आपको आना है तो उससे ये हो जाता है कि हमें कल लाजमी जाना है टीका लगवाने, इससे हमें बहुत ज़्यादा सहूलत हुई। ज़िंदगी महफूज इज़ अ डिजिटल इम्यूनाइजेशन रजिस्ट्री डिज़ाइन टू इंक्रीज इम्यूनाइजेशन कवरेज एंड टाइमलीनेस इन लो रिसोर्स एनवायरमेंट्स। Through recording and analyzing program data digitally, it enables real-time monitoring and accountability. वालदेन के लिए जिंदगी महफूज के अंदर एक अवेयरनेस सेशन है या अवेयरनेस की बातें हैं उसके अंदर, और वो ये हैं कि जब भी इनका बच्चा अगर टीका लगवाना नहीं आएगा और उस बच्चे के पास इम्यूनाइजेशन कार्ड हमारा जो होगा उसके अंदर ऊपर एक QR कोड लगा हुआ है, तो वो QR कोड जो है ना इसको ट्रैक करेगा बच्चे को। अगर वो नहीं आते फिर भी उनको हम लोग सेल मैसेज करके उनको अवेयर करके उनके टेलीफोन नंबर वगैरह भी उस QR कोड में हमारी रजिस्ट्री में हैं, थ्रू SMS ये अवेयरनेस उनको दे सकते हैं कि आपके बच्चे का टीका ड्यू है और मेहरबानी करके आप आके लगवाएं। IRD और इंडस ने जो है ये इसको सिंध भर में फैलाने में हमें ये मदद की है कि ये लोग हमें डैशबोर्ड्स बना के देंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये हमारी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है जो हम लोग सिंध में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वी आर डेडिकेटेडली वर्किंग ऑन एक्सपेंडिंग द रीच ऑफ जिंदगी महफूज टू द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। वी आर फोकस्ड ऑन अडॉप्टिंग अ मोर सस्टेनेबल होलिस्टिक एंड मल्टी डिमेंशनल अप्रोच टू हेल्थ केयर by integrating other complementary themes including gender empowerment, community engagement and participatory development. We will use the prize money to integrate ZM within primary care clinics, birthing centers, private facilities and to establish mobile immunization vans for effective service delivery. Additionally, the awarded funds will be used to strengthen our network by linking ZM to our youth engagement program and training schoolgirls to become community advocates for immunization. Through our vision, we hope to include more children within the Zindagi Mehfooz Registry and improve immunization coverage for the most vulnerable communities.